हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। टुडे वी लर्न द न्यू सब्जेक्ट दैट इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड द कोर्स कोड फॉर दिस सब्जेक्ट इज 22317। टुडे वी स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट स्टार्ट व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर। सो डेटा मीन्स द वैल्यू और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर मीन्स दैट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द प्रॉपर वे, दैट इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा मीन्स व्हाट? इट इज़ द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को, उस वैल्यू को हम लोगों को प्रॉपर वे में क्या करना है, स्टोर करना है, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स गिविंग द प्रॉपर स्ट्रक्चर टू दैट पर्टिकुलर डेटा, दैट इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर। वाई वी नीड द डेटा स्ट्रक्चर? सपोज हमारे पास 5 नंबर है 1 to 5, और हमारे पास ये कहीं पर भी रखा गया है। सो इसको हम क्या चाहेंगे कि एक ऑर्गेनाइज वे है या नहीं है? ओके, क्या देखेंगे हम लोग, ये ऑर्गेनाइज वे है या नहीं है? फॉर एग्जांपल, ये मेरा डेटा है 1 2 3 4 5, तो अगर मेरे डेटा में ये स्टोर है 4, कहीं पे स्टोर है 3, देन 2, देन 1, सो दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल टू अस। लेकिन अगर यही डेटा मैंने स्टोर किया 1 2 3 4 5, तो ऐसा स्टोर किया तो इट इज़ द इजीली एक्सेसिबल टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से ये जो डेटा है वो प्रॉपर वे में क्या कर सकता है, स्टोर हो सकता है। एंड यही टेक्निक्स हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। दैट्स वाई वी नीड दी डेटा स्ट्रक्चर। हम लोगों को डेटा जो है उसको प्रॉपर वे में यूजिंग दी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑर्गेनाइज करना है, और यही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी दी डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफिशियंटली। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर सूटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सम आर हाईली स्पेशलाइज टू स्पेसिफिक टास्क। सो दिस इज नथिंग बट डी डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग एक वे से डेटा स्टोर करने वाले हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। क्यों उसको ऑर्गेनाइज करना है? क्योंकि यूजर को इफिशियंटली उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। दैट्स वाई वी नीड दी डेटा स्ट्रक्चर। सो हाउ वी कैन यूज डेटा स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द डेटा प्लेयर्स नेम दैट इज विराट एंड एज दैट इज 26। सो हियर विराट इज in the string data type and 26 is in the integer data types. So we can organize this data as a record, like the player record. Okay, now we can collect different players record in one file or one database. For example, Gambhir age 31, Dhoni 30, Sehwag 30. So data structure are structured program to store the order data. तो इसी data को हम लोग एक order form में, एक sequence में क्या करेंगे, store करेंगे, और उसके ऊपर different different operation क्या करेंगे, perform करेंगे easily, and that is under your data structure. Next, what are the advantages of data structure? So first, easier to access and easy to manipulate data. Second, various operations can be performed on data structure. Then related data can be stored together in the required format and better algorithm can be used on organized data. तो पहला है, हम लोगों को data structure का use क्या है, advantage क्या है, कि हम लोग data को easily access कर सकते हैं या फिर easily modify कर सकते हैं compare to the unstructured data. अगर हमारे पास structured data है तो हम लोग easily उसको access कर सकते हैं या फिर manipulate कर सकते हैं. Then अगर हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा है तो उसके ऊपर सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन इट। देन रिलेटेड डेटा हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। देन बेटर एल्गोरिदम्स कैन बी यूज, हम लोग उसके ऊपर एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ दी डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, दी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिकली data structure are classified into two parts, that is primitive data structure and non-primitive data structure. Under the primitive data structure, the integer, float,
character pointers are there. Or you can say that if any keyword we found in the form of data type known as the primitive data structure. जो भी keyword हम लोग देखते हैं C programming में 32 keywords, उसमें से अगर कोई data types है, so that are under your primitive data structure. Next, non-primitive data structure. Non-primitive data structure again classified into two parts, that is linear data structure and the non-linear data structure. Let's see first one, that is linear data structure. So linear data structure again classified into two parts, that is static data structure and the dynamic data structure. So what is meant by static data structure? So basically the static data structure or the static data structure is an organization or the collection of data in memory which have a fixed size. Okay, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा जो फिक्स साइज में क्या किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है. दैट इज इट कैन स्टोर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द डेटा टाइप, दैट इज एरे. सो एरे इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड परफॉर्म ऑन इट. ओके, एरे के अंदर हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. वाई इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर वी कैन मॉडिफाई एंड द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स. सो टाइप्स ऑफ डायनामिक डेटा टाइप इज क्यू, स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो देयर आर ट्री एंड ग्राफ्स आर देयर. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एंड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच आर ऑर्डर इन अ लाइन. सो लीनियर मीन्स वॉट, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्डर फॉर्म में है, दैट इज नथिंग बट दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो द एलिमेंट्स फ्रॉम अ सिक्वेंस सच दैट देर इज अ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट. सो ये एक ऑर्डर फॉर्म में है एंड दिस आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो दस द एलिमेंट्स ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर हैव वन टू वन रिलेशनशिप ओनली. एक से एक ही रिलेशनशिप हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे नंबर स्टोर्ड है. तो 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 4. सो हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप वहाँ पे दिखाएंगे. द एंड द एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज एरे एंड द लिस्ट. ओके, नेक्स्ट the non-linear data structure. Non-linear data structure means what? The elements of non-linear data structure have one to many relationship and such that structure are useful in representing the hierarchical information or complex relationship among the elements. So example of that is tree and graph. Okay, so hum log aise define karenge. Linear data structure means what? A linear data structure is called as linear if all of its elements are arranged in the linear order or sequential order. And non-linear data structure means what? This data structure does not form a sequence. Ye ek sequence mein nahi hota. That is, each item or element is connected with two or more items in the non-linear arrangement. So, for example, okay, hamare paas number hai 1, 2, 3 और 4. लीनियर में क्या है? 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4. ओके, तो हम लोग 1-to-1 सिक्वेंशियली देखेंगे लीनियर में. वाइल इन नॉन लीनियर 3 जो एलिमेंट है वो 2 को भी रिलेट करता है और 4 को भी रिलेट करता है. मीन्स 3 is related to 2 also and 4 also and it is not in sequential manner. So that is nothing but the non-linear data structure. Okay, one to many relationship is there, and here linear only 1-to-1 relationship is there, and the data is stored in hierarchical form. Tree-like structure mein data store hota hai non-linear mein, while in linear the sequential array लिस्ट के जैसे हम लोग डेटा क्या करते हैं, स्टोर कर सकते करते हैं. दैट इज नथिंग बट दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी सी विच आर दी ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? सो इंसर्शन आर देयर, डिलीशन आर देयर, सर्चिंग इज देयर, सॉर्टिंग इज देयर, अपडेशन इज देयर,
एंड ट्रावर्सिंग इज देयर. मीन्स अगर हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा है तो हम लोग इंसर्ट करेंगे न्यू एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट जो है उसमें से कोई डिलीट करेंगे, या फिर एलिमेंट कोई भी आपको देखना है तो सर्चिंग ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, या फिर आप लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, देन सॉर्टिंग आर देयर, देन अगर आप लोगों को अपडेशन करना है देन अपडेशन आर देयर, ट्रैवर्सिंग मीन्स व्हाट, विजिट करना है कौन से इसमें कौन सा डेटा है तो ट्रैवर्सिंग आर देयर. सो दीज आर दी ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन दी डेटा स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वी लर्न the next part of the first unit. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.